हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं डेली बैंक निफ्टी में एंट्री टारगेट का वीडियो डालता हूँ, ठीक है। कल मैंने जो बोला था एग्जैक्ट मार्केट वैसा ही हुआ, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस इतना बोलना चाहता, कल मैंने जो वीडियो दिया था ना, वीडियो में मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, जिस पॉइंट को, लॉजिक को एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्ट मार्केट में वैसा हुआ। एंड जो भी वीडियो देखे थे उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप इस चैनल में जाकर कल का वीडियो देख लोगे, ठीक है। मेरा सारा वीडियोस में ना लिखा हुआ रहता है, ठीक है, डेट वाइज रहता है, आप जाकर देख लो, ठीक है। बस मैं इतना बोलूँगा, कल मैंने जो बोला वो हुआ मार्केट में, ठीक है। अभी मैं आज का मैं व्यू शेयर करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में क्या है मेरे लिए। अभी बैंक निफ्टी में देखोगे ना तो मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल बनाया मॉर्निंग 15 मिनट में, फिर इसके ऊपर में ब्रेक किया नहीं, सस्टेन किया नहीं एंड ब्रेक कर गया। तभी मार्केट एक ना साइडवेज टाइप में, मतलब एक डायरेक्शन चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगा, एक बात सुन लो कि मैं जो लेवल देता हूँ ना, मैं एक तीन टाइप का लेवल सेट करता हूँ, ठीक है। अपर साइड के लिए, लोअर साइड के लिए और एक साइडवेज जोन के लिए। जो अपर साइड के लिए ट्रिगर नहीं हुआ, डाउन साइड के लिए ट्रिगर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो जो जोन बचता है वो साइडवेज का रहता है, ठीक है। अभी आज जो मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो आप जो प्रीवियस रैली का जो फिबोनाची लगाओगे ना, तो इसका जो 50% आएगा ना, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। मतलब ये वाला लेवल, ये वाला जो जोन है ना, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब इस पर ट्रेड हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक लेवल दिया हुआ है आज। वैसे तो मेरा अपर साइड का मैं अभी व्यू शेयर करूँगा नहीं, करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया पहले, ये इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है, 41,065, और एक राउंड नंबर है 41,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का डाउन साइड का मोमेंटम आएगा और फास्ट आएगा अगर ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल इसके ऊपर में जाएगा, कुछ एम टाइप का पैटर्न बनाकर नीचे आएगा, और नीचे आकर ये अराउंड 40,950 के नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है। मैं बता दूँ, ये लेवल कुछ इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए प्राइस एक्शन। अगर एग्जैक्ट इस तरह से होता है तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया लेकिन ऊपर ही इधर ही है, ठीक है, मतलब ऊपर ही है, इसको ब्रेक करके इधर आके सस्टेन नहीं किया, ठीक है, तो फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ, क्योंकि आज बड़े प्लेयर्स मार्केट से आउट हैं, ठीक है। मैं बता दूँ, बड़े प्लेयर्स मार्केट में आज नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है प्राइस एक्शन और इधर सस्टेन करता है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा, इम्पॉर्टेंट लेवल मैं बता दूँ, ठीक है, इसके नीचे प्राइस एक्शन इस तरह से बनना चाहिए इसके ऊपर में, और सस्टेन करना चाहिए इस लेवल पे, सस्टेन 950, ये 55 हो गया, ठीक है, 50, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 950 में सस्टेन करना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए 40,700, और सेकंड टारगेट होगा 40,500। एंड आज पैनिक सेलिंग तो देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर पैनिक सेलिंग आया तो 40,275 भी जा सकता है, ठीक है। और मैं अभी अपर साइड के लिए, अपर साइड के लिए वैसे आई साइडवेज टाइप का मार्केट है, अपर साइड जाएगा ऐसा श्योर नहीं है, पर फिर भी मैं एक प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन कर दूँ अपर साइड के लिए। अगर मार्केट को अपर साइड जाना होगा, ठीक है, तो ये जो रैली है ना, ये वाला रैली का 50%, ओह नो, ये तो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। 2 बजे से पहले
अगर 2 बजे से पहले, मैं बता रहा हूँ ठीक है, 2 बजे से पहले अगर ये इस लेवल पे मार्केट आ जाता है ठीक है, ठीक है, 2 बजे से पहले इस लेवल के ऊपर में प्राइस सस्टेन करता है ठीक है, 41,353, और कुछ इस तरह का इसके ऊपर में प्राइस एक्शन बनना चाहिए ठीक है। मैं जो भी लेवल देता हूँ ना वो तेजी वाला लेवल होता है ठीक है, मैं साइडवेज मार्केट में मेरे लेवल कभी भी नहीं फंसते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेगा और इस तरह से प्राइस एक्शन अगर बनता है तो फर्स्ट टारगेट यही होगा, प्रीवियस डे हाई 41,000, रैली है ही नहीं यार, अपर साइड के लिए है ही नहीं, डे हाई रहेगा ठीक है, प्रीवियस डे हाई यही रहेगा। वैसे आज आप लोग अवॉइड कर सकते हो ठीक है, अपर साइड का लेवल देख लो 41,342 के ऊपर में इस तरह का प्राइस एक्शन बनना चाहिए तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा। वैसे आज अपर साइड जाएगा ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में, ये टारगेट रहने वाला है ठीक है। अपर साइड में अगर ये लेवल पे जाके सस्टेन करता है तो ये फर्स्ट टारगेट होगा अपना, और टाइमिंग 2 बजे, 2 बजे के बाद अगर ब्रेक करता है तो समझो साइडवेज जाने वाला है ठीक है। अभी और क्या बोलूँ, हो तो गया साइडवेज, एंड नो ट्रेडिंग जोन भी मैं मार्क कर ही देता हूँ ठीक है, कि इस जोन में ट्रेड नहीं करने का। ये हम लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन है ठीक है, इस जोन में ट्रेड नहीं करने का, इस जोन में नो ट्रेडिंग जोन है ठीक है। तो मैंने एंट्री टारगेट सब कुछ बताया हुआ है, डाउन साइड के लिए भी अपसाइड के लिए भी ठीक है। और अगर आप मेरे वेबिनार से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ठीक है, वेबिनार, लाइव मार्केट सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट सब कुछ मिलता है इधर। अगर आप एक बार जुड़ जाते हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में मुझे लाइव मार्केट में पूछ सकते हो, इधर एंट्री करे नहीं करे, होल्ड करे पोजीशन को नहीं करे, निकल जाए ऐसा कुछ ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि ये वीडियो मैं जब तक डालूँगा आप लोग तक पहुँचेगा, कहीं मोमेंटम मिस ना हो जाए ठीक है। मैं डेली इस तरह के बैंक निफ्टी का एंट्री टारगेट वीडियो बनाता हूँ ठीक है, चलो ठीक है बाय। एंड हाँ, इस जोन में ट्रेड मत करना, हाँ पैसा चला जाएगा बेकार में ठीक है। थैंक यू।